हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में प्रीमियर प्रो में सिलेक्शन टूल ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्किल यूट्यूब चैनल, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो गाइस, ये मैंने प्रीमियर प्रो खोला हुआ है और मैं ये लास्ट वीडियो का प्रोजेक्ट मैंने खोल रखा है और इस पर मैं आपको सिलेक्शन टूल और ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड टूल्स का यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल इसकी शॉर्टकट कमांड है वी। सिलेक्शन टूल से हम जैसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से, या हम इस तरह से चैन बना के कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर। और हम सिलेक्शन टूल से ट्रिम भी कर सकते हैं कोई चीज़। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ, ये ट्रिम हो गया। इसी तरह से हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको, तो अपने अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन टूल से छोटा बड़ा कर सकते हैं और वीडियो को, फुटेज को या प्रोजेक्ट, और हम सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर। कोई भी लेयर में, किसी भी लेयर में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन टूल का बेसिक यूज यही होता है। हम ट्रिम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर लेयर्स को। अगला है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल की शॉर्टकट कमांड है ए। इस टूल की मदद से बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं। बेसिकली जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल बड़ा ही काम आता है। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का यूज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से आगे की सारी जितनी भी ये लेयर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेयर बनी हुए हैं, सब एक बार में सिलेक्ट हो जाए। यहाँ जहाँ से मैं क्लिक करूँ उसके आगे का, सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो सारा सिलेक्ट हो गया है। और मैं इसको फिर मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से इस तरीके से। या फिर सिलेक्ट इस फॉरवर्ड टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये, पहले मैं इसको अन कर लेता हूँ, अब सिलेक्ट फॉरवर्ड पे जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही लाइन के ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हों तो मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं ये सिंगल एरो दिखा रहा है। इससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके आगे के जितने भी हैं वो सारे एक सिलेक्ट हो जाएगा और उसको हम मूव कर सकते हैं ये सिंगल प्रेस करके इस तरीके से। और आप इसको होल्ड रखेंगे शिफ्ट को और आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। हम बैकवर्ड ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल का यूज़ करेंगे, इससे सेम वही होगा उसका अपोजिट। तो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। सपोज मुझे इसके आगे के सारे जितने भी हैं लेयर्स और ऑब्जेक्ट सारे एक बार में सिलेक्ट हो जाएं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके आगे के जितने भी लेयर्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसको हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एक बार में ही। और हम चाहते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक लाइन की ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हों तो शिफ्ट प्रेस करूँगा वही और क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन के जितने भी हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको मूव करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं ये इधर का ये भी मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिंक्ड है, तो इसको अनलिंक करेंगे। अनलिंक करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अनलिंक कर देंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये जिस पे मैंने क्लिक किया था वो एक ही सिलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल और बैकवर्ड टूल का और सिलेक्शन टूल का यूज़ करके वीडियो एडिटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल्स हैं ये।
बड़े प्रोजेक्ट में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें माई ट्रेंडिंग स्किल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।